हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, सबसे पहले फैंटेसी बाजार की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसमें बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के 42 मैच की, जो कि जयपुर पिंक पैंथर्स और पुणे रिपल्टन के बीच आज शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। यह मैच खेला जाएगा एक कारण मैदान पर, जो कि गुजरात फोर्सेज जायंट्स का होम ग्राउंड है। अभी वीडियो में बात करेंगे हम दोनों टीमों की टीम इन्फॉर्मेशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, स्टार्टिंग सेवन की प्रिडिक्शन होंगी, साथ ही प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आपको कौन से अच्छे प्लेयर हैं वो चुनने में आसानी हो। साथ ही फैंटेसी टीम की प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेंगे, समय लीग की, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस होंगे और ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन का प्रीव्यू होंगे। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे टीम इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स टेबल से। जयपुर ने 5 मैच खेलते हुए 4 मैच जीते हैं, 1 हारे हैं, 20 पॉइंट्स के साथ वो 5th पोजीशन में पॉइंट्स टेबल में। वहीं पुणे ने 6 मैच खेलते हुए केवल 2 जीते हैं और 4 हारे हैं, 11 पॉइंट्स के साथ वो अंत में है पॉइंट्स टेबल में 12th पोजीशन पे। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों के बीच 14 मैचेस हुए हैं, उसमें से 7 मैचेस जयपुर ने जीते, 5 मैचेस पुणे ने जीते हैं और दो मैच दोनों टीमों के बीच टाइड हुए हैं। अग्रेशन फॉर्म भी देखो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पता चलता है कि जयपुर काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने अपने 5 मैचेज में से 4 मैच जीते हैं लास्ट के, और पुणे ने अपने 5 मैचेज में से 2 मैच जीते हैं, वो एवरेज फॉर्म में हैं। दोनों टीमें अपना लास्ट का मैच हार के आई हैं, इस मैच के लिए वो दोनों जीतना चाहेंगे और वापसी विनिंग स्टेट में आना चाहेंगे। अगर कंपेरिजन की बात करूँ तो दोनों टीमों के टैकल पॉइंट्स और रेड पॉइंट्स और सक्सेसफुल रेड परसेंट और सक्सेसफुल टैकल परसेंटेज में तो पता चलता है फ्रेंड्स, जयपुर ने 5 मैच खेलते हुए 85 रेड पॉइंट्स लिए हैं और सक्सेसफुल रेड्स का परसेंटेज 33 रहा उनका। वहीं पुणे ने 6 मैच खेल के 95 रेड पॉइंट लिए, उनका सक्सेसफुल रेड परसेंट 32 रहा है। इस हिसाब से देखें तो दोनों टीमों का मिला के जो 1.0% प्रदर्शन रहा है रेडिंग यूनिट में। अब डिफेंस यूनिट में बात करें तो टैकल पॉइंट्स जो जयपुर ने लिए हैं वो 55 हैं, वहीं पुणे ने 67 है। तो जयपुर ने 47 परसेंटेज जो लिए हैं वो टैकल सक्सेसफुल लिए हैं, वहीं पुणे ने 39 लिए हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जयपुर का जो डिफेंस है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है एज कंपैरिजन टू पुणे के। इस हिसाब से अपनी टीम में जो जयपुर के डिफेंस यूनिट में हैं उनको ज़्यादा आप अपनी टीम में सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा दे सकते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख लेते हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों के। रिसेंट एनकाउंटर पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच 3 मैचेज हुए, 1 मैच जयपुर ने जीता, 1 पुणे ने जीता और 1 मैच टाइड हुआ। जो लास्ट मैच हुआ उसमें दीपक हुड्डा ने 8 पॉइंट्स, सुनील ने 8 पॉइंट, संदीप ने 2, अजिंक्य ने 2 और वहीं संता सेलम ने 2 पॉइंट लिए थे। अमित कुमार ने 1, गिरीश मूर्ति ने 3 और शिवम शिंदे ने 1 पॉइंट लिया। उससे पहले जो पॉइंट है उसमें दीपक हुड्डा ने अगेन 12 पॉइंट्स लिए, सुनील ने 1, संदीप डोल ने 2, अजिंक्य पवार ने 1, संता सेलम ने 2 पॉइंट और गिरीश मूर्ति ने फिर से 6 पॉइंट लिए। आप देख रहे हैं दीपक हुड्डा, संदीप डोल और गिरीश मूर्ति रिपीट प्लेयर हो रहे हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें नितिन तोमर खेल रहे थे क्योंकि इंजरी में काफ़ी मैच वो खेले थे पिछले सीजन में भी, इस सीजन में भी काफ़ी मैच नहीं खेले हैं। नितिन तोमर अगर खेलते हैं तो वो 2 पॉइंट उन्होंने लिए थे, गिरीश मूर्ति ने 2 लिए थे, दीपक हुड्डा ने 8, नितिन राव जो खेले थे 3 और संदीप डोल ने 4 पॉइंट लिए थे। आप देख सकते हैं कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं हेड टू हेड में, वो मैंने आपको दिखा दिया। बात कर लेते हैं स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन की। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर के पॉसिबल स्टार्टिंग से। चेंजेस तो मुझे कोई लगता नहीं है टीम स्टार्टिंग सेवन में होगा। पहले बात करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से, जिसमें है संदीप डोल, लेफ्ट इन में है विशाल आठर, लेफ्ट कॉर्नर इनके अजिंक्य पवार, सेंटर में दीपक निवास हुड्डा, राइट कॉर्नर इनके सुनील, राइट इन में है दीपक नरवाल, राइट कॉर्नर है अमित हुड्डा। जो इनकी परफॉर्मेंस रही है इस सीजन में सबसे अच्छी रही है, जैसे कि मैंने आपको ग्रीन फील्ड कर दिया है, संदीप डोल के हैं, दीपक निवास हुड्डा हैं, दीपक नरवाल और अमित हुड्डा। साथ ही कितने मैचेज में उन्होंने पॉइंट्स लिए वो भी दिखा दिया। पिछले मैच में देखे तो संदीप डोल ने कोई पॉइंट नहीं लिया, विशाल आत ने कोई पॉइंट नहीं लिया और सुनील ने भी कोई पॉइंट नहीं लिया। परफॉर्मेंस रही थी दीपक नरवाल की और दीपक हुड्डा की, इसलिए आपके लिए ग्रैंड के लिए पिक्स रहेंगे फ्रेंड्स। साथ ही अगर इनका सब्सिट्यूट्स देखो तो सचिन नरवाल तकरीबन सब्सिट्यूट्स करते हैं 1-2 मैचेज में, नीलेश ने भी सब्सिट्यूट्स लिया है और साथ ही इनके मैंने पॉइंट्स भी दिखा दिए हैं।
बात करूं तो बाकी के प्लेयर्स इनका और डीपली एनालिसिस आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना। बात करें इनका स्कैट्स और साथ ही मैंने रेडर्स के स्किल्स भी लिखे हैं, जैसे कि आप दीपक अंडरवाल राइट रेडर हैं, इनके पास स्पीड है, रनिंग एंड टच है, बोनस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जंप अच्छा नहीं लगाते हैं, एंटी डिफेंडर भी नहीं है, स्केप भी इनके पास नहीं है, अजिंक्य पवार के पास स्पीड है, बोनस है, रनिंग एंड टच है, ये लेफ्ट रेडर हैं। साथ ही और बात करें तो दीपक निवास हुड्डा की, दीपक निवास हुड्डा के पास काफ़ी चीज़ें फ्रेंड्स, ऑलराउंडर स्किल है इनके पास, एंटी डिफेंडर्स हैं, बोनस है, स्पीड भी अच्छी इनके, रनिंग एंड टच भी अच्छा लगाते हैं, एस्केप भी अच्छा कर जाते हैं, जंप इनका इतना अच्छा खास नहीं है। साथ ही मैंने स्किल्स भी दिखा दी। आप बात कर लेते पुणे की पॉसिबल स्टार्टिंग सेवन से, इनकी टीम में जो मैंने उम्मीद करी है फ्रेंड्स, आज के मैच में संकेत आ सकते हैं, वहीं पवन कुमार कादयान भी आ सकते हैं, संकेत जो खेल रहे हैं फ्रेंड्स सॉरी, उनकी जगह जैद शाहजी आ सकते हैं और अमित कुमार की जगह पवन कादयान भी आ सकते हैं, दोनों में से कोई, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। पॉसिबल स्टार्टिंग सेवन की बात करें तो फ्रेंड्स इनके स्टार्टिंग सेवन में लेफ्ट कॉर्नर जो कि गिरीश अरनाक हैं, इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार रहा है, लेफ्ट इन इनके मंजीत है, लेफ्ट कॉर्नर के संकेत सावंत है, सेंटर में अमित कुमार हैं, राइट कवर हैं सुरजीत, राइट इन में इनके नितिन तोमर, राइट कॉर्नर हैं इनके शुभम शिंदे। प्रदर्शन देखो तो गिरीश का काफ़ी अच्छा रहा है, मंजीत का अच्छा रहा है, अमित का काफ़ी अच्छा रहा है और नितिन तोमर जो एक मैच खेले उन्होंने 8 पॉइंट्स लिए थे, तो नितिन तोमर के आ रहे थे, इनके पास स्टेबिलिटी आ गया फ्रेंड्स, इनका डिफेंस यूनिट रेड यूनिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है अब, तो ये परफॉर्मेंस भी मैंने आपको साथ में दिखा दिया, इनके पिक्स भी साथ ही दिखा दिए, ग्रीन फील्ड जो है पिक्स इनके। सब्स्टिट्यूट्स में इनके पंकज मोहिते जो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स और मुझे उम्मीद है आज ये खेल सकते हैं किसी भी एक रेडर की जगह, और पवन कुमार कांदा ने भी इनिशियली स्टेज में इस सीजन के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए, 10 से उन्होंने 1 पॉइंट लिए, 6, 3, 4 उन्होंने लिए हैं। पंकज मोहिते एज ए सब्स्टिट्यूट्स जब भी आते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, 7, 3, 8, 6 के उन्होंने ऐसे पॉइंट लिए हैं मैच में। अब बात कर लेते हैं इनके रेडर्स की स्किल्स की, नितिन तोमर जो कि लेफ्ट रेडर हैं फ्रेंड्स, उनके पास जंप है, स्कॉर्पियन किक है, बोनस, रनिंग एंड टच है, यानी कि काफ़ी अच्छे रेडर हैं ये। पवन कादयान के वो भी लेफ्ट रेडर में, इस कारण से जैसे नितिन तोमर आ गए पवन कादयान को टीम ड्रॉप कर रही है, उनके पास जंप अच्छा नहीं है, बाकी रनिंग एंड टच अच्छा लगाते हैं, टच अच्छा, उनका एस्केप अच्छा, बोनस अच्छा कर जाते हैं। मंजीत जो कि राइट रेडर, उनके पास स्पीड है अच्छी, बोनस अच्छा करते हैं, एंटी डिफेंडर है, जंप उनके पास इतना अच्छा नहीं है, तो ये स्किल्स भी की बात हो गया। बात कर लेते हैं प्लेयर्स रिकॉर्ड के, सीजन के एनालिसिस की, ताकि आपको और आसानी हो फ्रेंड्स अपने पिक्स करने में। मैं काफ़ी डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए फिर से आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा, फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी आसानी हो अपने टीम बनाने में। अब बात कर लेते हैं दीपक हुड्डा की, दीपक हुड्डा की परफॉर्मेंस देखे तो उन्होंने 5 मैचेस खेलते हुए 41 रेड पॉइंट्स लिए हैं, 1 सुपर 8 डाले और 3 सुपर 10 लगा चुके हैं अभी तक के, और 5 मैचेज में 3 सुपर 10, और उनका सक्सेसफुल रेट परसेंट रहा 51 का, इसलिए वो आज के मैच के लिए डिफॉल्ट कैप्टन की पिक्स रहेंगे फ्रेंड। उसके बाद दीपक नरवाल ने 5 मैच में 24 पॉइंट्स, 31 का उनका परसेंट रहा सक्सेसफुल रेट का, अजिंक्य पवार ने 5 मैचेज में 8, सचिन नारायण ने 5 मैचेज में 5, नितिन राव जो 1 मैच खेले हैं इंजरी के कारण नहीं खेल पाए हैं उन्होंने 5, नीलेश सिंह के जो कि तकरीबन सब्स्टिट्यूट्स हैं 3 मैचेज में 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो मैंने सभी का सक्सेसफुल रेट दिखा दिया, साथ ही पिक्स मैंने आपको येलो फिल कर दी है। अब बात करें नितिन तोमर ने केवल 1 मैच में 8 पॉइंट लिए, 62% उन्होंने सक्सेसफुल रेट डाली थी 1 मैच में जो खेले हैं वो, ने मंजीत ने 6 मैचेज में 16 पॉइंट्स से, और पवन कादयान अगर खेलते हैं उनका देखे तो 5 मैचेज में 23 पॉइंट्स लिए हैं, 1 सुपर 10 डाले, 40% उनके सक्सेसफुल रेट रहे हैं। पंकज मोहिते इनके फाइन रहे हैं अभी तक, केवल 4 मैचेज खेले उन्होंने, वो भी सब्स्टिट्यूट्स आए हैं तकरीबन, और 23 उन्होंने पॉइंट्स लिए एज ए सब्स्टिट्यूट्स, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, 1 सुपर रेट लगाया 64%, देखो तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा रेट है ये सक्सेसफुल रेट का। एवरेज पॉइंट्स में देखे तो दीपक हुड्डा अच्छे हैं, 8.2 हैं, नरवाल 4.8 लेते हैं, नितिन तोमर का 8 का है, उसके पवन कुमार कादयान का है, पंकज मोहिते का 5.7 का है। अब डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं, इस सीजन में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है, संदीप डोल पिछले सीजन में अच्छा किया था, इस सीजन में अच्छा कर रहे हैं, केवल 5 मैचेज में 3 I5 लगा चुके हैं, 63% उनका सक्सेसफुल टैकल्स रहा है, वो सक्सेसफुल रहा है, और वहीं अमित हुड्डा ने भी 2 I5 लगाया, 60% उनका भी अच्छा रहा है। इस कारण से मैं कह रहा था कि आपको आगे बताऊंगा कि उनका जयपुर के आप जो डिफेंडर्स हैं उनको पिक करना, देखो आप संदीप डोल ने और अमित हुड्डा ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। उसके बाद विशाल लाटर हैं, संदीप डोल हैं, सुनील हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं एज ए ग्रैंड लीग के पिक से।
सुरजीत की बात करें तो छह मैचेज में 10 पॉइंट लिए हैं, दो सुपर टैकल्स के हैं। गिरीश अरना का अभी तक पॉइंट रहे, छह मैचेज में 18 पॉइंट्स लिए हैं, एक बार आई फाइव लगाए, 50% उनकी जो टैकल्स परसेंट है वो सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद आते हैं शुभम शिंदे, छह मैचेज में 7 पॉइंट है, और बाकी हैं जादव शाहजी जो कि तकरीबन सब्स्टिट्यूट्स खेल रहे हैं, संकेत खेल रहे हैं, 5 मैचेज में 7 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट्स निकाले से सबसे अच्छा बनता है फ्रेंड्स संदीप डोलका, उसके बाद अमित उड्डा, उसके बाद गिरीश अरनाक, उसके बाद सुरजीत को आप ले सकते हैं, विशाल को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले सीजन से चलकर और आपको डाटा क्लियर हो जाए और कौन से प्लेयर अच्छा कर सकते हैं ये आपको पता चल जाए। दीपक निवास उड्डा और दीपक नरवाले सीजन में भी अच्छा करें, पिछले सीजन में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, 10 और 3 सुपर टैकल्स लगाए थे दोनों ने। नितिन तोमर जो पिछले सीजन में केवल 11 मैच खेले थे, 100 रेड पॉइंट्स ले लिए थे, 4 रन ने सुपर टेन लगाए थे। मनजीत ने पिछले सीजन में 87 3 बार सुपर टेन लगाए थे, इसलिए आप मनजीत को बनाए तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लीग में, तो ये आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। प्रणव कुमार कादन जो अभी नहीं खेले, अगर नितिन तोमर खेलते हैं तो ये नहीं खेलेंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो प्रणव कादन खेलेंगे, तो ये भी अच्छे फाइंड रहे अभी तक इस सीजन में। दीपक निवास उड्डा है, नीलेश सलंके ने भी पिछले सीजन में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, 4 के एवरेज से उन्होंने पर मैच में पॉइंट्स लिए थे। नितिन तोमर ने 9 पॉइंट्स लिए थे, पवन कुमार कादन ने 3.46, मनजीत ने 3.96 आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफेंडर्स की, डिफेंडर्स में तो आप देखिए थे जयपुर की तरफ से पिछले सीजन में तीनों जो डिफेंडर्स उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है, दो तीनों ने 4-4 आई फाइव लगाए थे पिछले सीजन में, और जो टैकल जो रेट है उनका काफी शानदार रहा था, 85 के तकरीबन 2 का और सुनील का 41 का रहा था। सुरजीत का और गिरीश का देखे तो पिछले सीजन में इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, तो ये आपके लिए पिक्स रहेंगे चारों, संदीप डोल, अमित उड्डार, सुरजीत और रन्नाक। अगर एक टीम में आप इनको डिफेंस बना सकते हो तो काफी अच्छी ये आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम्स की प्रेडिक्शन की, मस्ट पिक आपके में आपको साथ ही ड्रीम इलेवन पे कितने परसेंट लोगों ने लिया ये भी दिखा दिया है। दीपक निवास उड्डा है, दीपक नरवाल है, संदीप डोल, अमित उड्डा है, नितिन तोमर, मनजीत है, गिरीश मूर्ति है। ग्रैंड लीग में अगर स्मैलिक्स में बात करें तो है ट्वेट बास क्रिक कैप्टन वाइस कैप्टन के दीपक निवास उड्डा, नितिन तोमर का सबसे कम ये कॉमन रहेगा फ्रेंड्स दीपक निवास उड्डा का और संदीप डोल का आप ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए आप पिक्स हैं जो प्लेयर्स रहेंगे वो हैं जिनके पवार हैं, नितिन रावल हैं, विशाल लाठरे हैं, सुनील हैं, सुरजीत, अमित, पवन, काद्यान, सावंत और पंकज मोहिते। पंकज मोहिते को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 60% लोगों ने लिए हैं, ये काफी इसके लिए उम्मीद बन रही है, आप आज के मैच में खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप बात करें तो फ्रेंड्स ने कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन की, नितिन तोमर, दीपक नरवाल को ट्राई कर सकते हैं, अमित उड्डा को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, दीपक निवास उड्डा को आप कैप्टन बना के मनजीत को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, पंकज मोहिते को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये मैंने आपको पिक्स के सजेशन दे दिए ग्रैंड लीग के लिए भी। अब अगर बात करें तो फैंटेसी टीम्स जो आपको अच्छी जो इंडिया में टॉप रेट हैं वो है ड्रीम इलेवन, माई टीम इलेवन, अलाला प्ले, अगर इन तीनों पे साइन अप होना सकते हैं तो आप इन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें तो फैंटेसी बाजार में हम आपको डेमो टीम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री है अपनी टीम प्रोडक्ट करने के लिए। मैंने आपको फ्रेंड्स इतना डीपली एनालिसिस ऊपर बता दिया, आप आसानी से अपनी टीम बना सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल लिंक्स पे भी फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहां मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। जो टॉप 2 रहेंगे, फर्स्ट 2 रहेंगे वो स्मैलिक्स के लिए हैं, और बाकी के जो 4 पिक्स रहेंगे वो ग्रैंड लीग के लिए पिक्स रहेंगे। फर्स्ट टीम की भी मैं बात करूँ तो फर्स्ट टीम में मैंने ट्राई किया दीपक निवास हुड्डा को और नितिन तोमर को वाइस कैप्टन बनाया है। उसके बाद मैंने मंजीत को लिया है, सावंत को ट्राई किया है, पुणे की तरफ से, जयपुर की तरफ से मैंने नरवाल को, अमित उड्डा को और संदीप डोल को ट्राई किया है। ये आपके पिक्स बता दिए इसी टीम में। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ग्रैंड लीग के लिए इसी टीम को में आप ये कम्बिनेशन मंजीत का और दीपक नरवाल का कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप संदीप डोल के साथ जा सकते हैं किसी के में भी, आपके लिए पिक्स हो सकते हैं। और सेकंड टीम की बात करूँ तो इस टीम में मैंने वाइस वर्सा कर दिया है, नितिन तोमर को कैप्टन बना दिया है और नरवाल को वाइस कैप्टन। इस टीम में मैंने गिरीश मूर्ति को ट्राई किया है और पंकज मोहिते को ट्राई किया है। ये मैंने टीम थोड़ी चेंजेस करके बनाई है, ये भी आप समय लीग में ट्राई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं थर्ड टीम की, जो कि ग्रैंड लीग के लिए मैंने टीम बनाई है फ्रेंड्स, दीपक निवास हुड्डा और मैंने संदीप धूल को बनाया और 5-2 का कम्बिनेशन ट्राई किया है मैंने। जयपुर के फेवरेट ये टीम बनाई है और साथ ही नितिन तोमर को ट्राई किया है और शिंदे को ट्राई किया है पुणे की तरफ से। अमित हुड्डा है, नरवाल है, विशाल लाठर को भी इस टीम में मैंने ट्राई किया है। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मैंने ये बिल्कुल पुणे की तरफ से मैंने फेवरेट टीम बनाई है, 5-2 का कॉम्बिनेशन ट्राई किया है मैंने। निवास हुड्डा को लिया है और इनके जो टॉप डिफेंडर हैं संदीप ढोल को लिया है, मूर्ति को वाइस कैप्टन बनाया है तोमर के साथ, आप चाहें तो मंजीत को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, सुरजीत को लिया है और पंकज मोहितो को ट्राई किया है। फिफ्थ टीम जो ट्राई किया है मैंने वो फ्रेंड्स, मैंने 4 डिफेंडर्स को लिया है, अमित हुड्डा, संदीप ढोल, कृष्णमूर्ति और सावंत को। अमित हुड्डा को मैंने केवल ऑलराउंडर सेक्शन से, दीपक हुड्डा को ऑलराउंडर सेक्शन से ट्राई किया है, नरवाल हैं और नितिन तोमर हैं, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन अब मैंने वाइस वर्सा कर दिया है। लास्ट जो टीम मैंने बनाई है फ्रेंड्स, अगेन से मैंने ग्रैंड लीग की टीम बनाने की सोची है, वाइस वर्सा ये मैंने फिर से कर दिया है। इस टीम में मैंने अमित कुमार सीनियर को ट्राई किया है, कृष्णमूर्ति को ट्राई किया है, दीपक नरवाल हैं, संदीप ढोल हैं और विशाल को मैंने ट्राई किया है। उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स ये एनालिसिस देखने के बाद अपने लिए अच्छी टीम बना पाएंगे। होपफुली आपने वीडियो को जरूर लाइक किया होगा और अगर आपने वीडियो चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।